हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम पुनः 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जो कि आपके आगे आने वाले किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है। और जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। और एक बार पूरी सीरीज आप हमारी सीरीज़ को देखिए, ठीक है। और इसके बाद आप किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए जाएंगे, तब आपको इसका फ़ायदा समझ में आएगा। और वीडियोज़ को रेगुलर देखिए, निश्चित ही आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो DRDO के लिए ये स्पेशल सीरीज जो हमने चला रखी है, आपसे बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ सारी वीडियोज़ को देखिए। अभी तक हमने लगभग 20+ तक वीडियो हमने अपलोड कर रखे हैं, आज की यह 20th नंबर की वीडियो है जिसमें हम फिर जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को देखिए, ठीक है। और आपको निश्चित ही आने वाले किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करें तो उसमें आपको इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें हम NIMI के लोग बहुत सारे अपने चैनल्स में आप वो जो क्वेश्चन हमने नोटिस किए हैं, जो क्वेश्चन वो कराते हैं, ये NIMI पैटर्न पे जो बुक्स होती हैं उनसे क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपको NIMI बुक से ही क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, तो निश्चित ही इसका फ़ायदा आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, और आपको समझ में आए क्वेश्चंस कि हाँ क्वेश्चन अच्छे हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वाइस और प्रेस में स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। तो जो आपकी बेंच वाइस होती हैं और जो प्रेस होते हैं, इनमें जो हम स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि स्क्वायर थ्रेड जो है इसमें इस पर ज़्यादा मजबूती होती है, ठीक है। तो वाइस आपने पढ़ा होगा कि इसका प्रयोग करते हैं हम और जॉब वगैरह को पकड़ने के लिए, ठीक है। फाइलिंग करते समय जॉब को पकड़ने के लिए हम वाइस का प्रयोग करते हैं। वाइस से संबंधित एक नॉर्मल वाइस बहुत सारे क्वेश्चन है जो नॉर्मली पूछे जाते हैं, जैसे कि वेंच वाइस का साइज इसके जबड़े की चौड़ाई यानी कि जॉ की और विटनेस के आधार पर लिया जाता है, ठीक है। इसके साथ ही इसका हैंडल, स्पेंडल और बॉडी से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई सारे एग्जाम में। तो इसका हैंडल और स्पेंडल जो है माइल्ड स्टील का बना होता है, जबकि बॉडी जो है कास्ट आयरन की बनी होती है, ये आपको याद रखना है। और वेंच वाइस का जो वेंच वाइस का जो जा होता है वो टूल स्टील का बना होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो और स्क्वायर थ्रेड का एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर का। गियर्स के एक जोड़े में मिलाए गए गियर्स के दांतों के बीच क्लियरेंस को बैकलेस कहते हैं, यानी कि जब दो गियर्स आपस में मैच करके चलते हैं तो उनके बीच कुछ क्लियरेंस रखा जाता है, क्योंकि जब वो क्लियरेंस जब दो मैचिंग पार्ट्स होंगे और उसमें गैप नहीं होगा, क्लियरेंस नहीं होगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें वो मोमेंट ही नहीं कर पाएंगे। तो जब भी हम दो गियर्स को आपस में अलाइनमेंट करते हैं तो उसमें कुछ क्लियरेंस देते हैं, और इस क्लियरेंस के इस दांतों के बीच का जो क्लियरेंस होता है उस क्लियरेंस को हम बैकलेस कहते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, प्लीज़ आप इनको नोट डाउन कर लिए और क्वेश्चन को याद भी होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर का। स्प्रॉकेट्स का उपयोग चैनों और बेल्टों को चलाने के लिए किया जाता है। तो स्प्रॉकेट्स जो होते हैं इनका प्रयोग मुख्यतः चैन और बेल्टों को चलाने के लिए किया जाता है, और विशेष रूप से बात करें तो इसका प्रयोग जो है कन्वेयर प्रणाली में होता है, जो कि आपकी लाइन वगैरह पे जो जैसे कि अपने जैसे बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर कंपनियाँ हैं वहाँ पर कन्वेयर चलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी इसका प्रयोग होता है कन्वेयर को चलाने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक देखिएगा, ठीक है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से अनकॉमन मतलब कि देखने को मिलेंगे जो आप अभी तक आपने नहीं कहीं देखे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर का। रैक और पिनियन मैकेनिज्म का उपयोग ऑटोमोबाइल्स में स्टीयरिंग व्हील के लिए किया जाता है। तो रैक और पिनियन का उपयोग जो है हम ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में करते हैं, किसके लिए? तो उसकी स्टीयरिंग जो व्हील होती है उसके लिए करते हैं। रैक और पिनियन से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बहुत सारा कि रैक और पिनियन का प्रयोग किसके लिए किया। तो रैक और पिनियन का किया जाता है उपयोग, ठीक है, रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में बदलने के लिए, या लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में बदलने के लिए। हम दोनों ही कंडीशन में किसका प्रयोग करते हैं? रैक और पिनियन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइव नंबर का। बेवल गियर को विभिन्न कोणों पर उपयोग कर सकते हैं। तो जो बेवल गियर है इसको हम अलग अलग एंगल्स पर प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः जो है 90 डिग्री पर यह प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स नंबर का। हाइड्रोलिक पंप एक मैकेनिकल डिवाइस है। तो जो हाइड्रोलिक पंप है एक प्रकार का आपका मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसे फ्लूड को गति देने या उसके बहाव के लिए डिजाइन किया जाता है। तो मेनली अगर बात करें हाइड्रोलिक पंप की, ठीक है, पंप की, तो एक प्रकार का डिवाइस होता है जिसका प्रयोग फ्लूड को गति देने या उसके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवन नंबर का हमारा क्वेश्चन है, नीडल वाल्व का उपयोग सूक्ष्म भाव के लिए किया जाता है, यानी फाइन कंट्रोल के लिए हम नीडल वाल्व का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसे नीडल वाल्व तो हो गया एक से नीडल, क्या कहते हैं आपका, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है नीडल, आपका नीडल बियरिंग, ठीक है। तो नीडल बियरिंग में पूछता है आपका, यह आपके प्रयोग किया जाता है हेवी वर्क के लिए, ठीक है। और नीडल वाल्व की बात करें तो यह सूक्ष्म भाव यानी फाइन कंट्रोल के लिए हम क्या करते हैं, नीडल वाल्व का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, एक लैप पर ग्रेन साइज के इम्बेंडिंग की प्रक्रिया को चार्जिंग कहते हैं। तो जो लैप वगैरह जो आपकी जो लैप टूल्स होते हैं उस पर हम जो आपके जो ग्रेन साइज होता है, ठीक है, तो मुख्यतः आपके ग्रेन साइज जो होते हैं या कोर्स मीडियम और फाइन तीन ग्रेडों में पाए जाते हैं, ठीक है। इससे कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि ग्रेन साइज कितने में पाए जाते हैं, तो कोर्स मीडियम और फाइन में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसकी जो ग्रेन साइज की जो इम्बेंडिंग की प्रक्रिया होती है उसे हम चार्जिंग कहते हैं, जिसके द्वारा हम टूल्स को पुनः कटिंग के योग्य बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर का, रोटरी फाइल का उपयोग डाई सिंकिंग और मोल्ड बनाने के कार्य में किया जाता है। तो रोटरी जो फाइल है ये आपकी स्पेशल कैटेगरी की फाइल होती हैं, जिसका प्रयोग हम डाई सिंकिंग और मोल्ड बनाने के कार्य में करते हैं। स्पेशल फाइल से क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हमने अभी तक ऐड कर दिए हैं इस सीरीज़ में, तो अगर आपने उन सीरीज़ को देखा होगा तो सारे क्वेश्चंस आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर का, टिंकर फाइल का आकार आयताकार होता है। तो ये भी स्पेशल फाइल ही होती हैं, इसका क्रॉस सेक्शंस की बात करें तो यह आयताकार होता है, जबकि नॉर्मली आपकी जो फाइल्स होती हैं वह उसका जो है 2/3 आपका समानांतर होता है, जबकि 1/3 इसका आगे का क्या होता है, टेपर में होता है। लेकिन जब टिंकर फाइल की बात होती है तो यह पूरी इसका पूरा यूनिफॉर्म सेक्शन जो होता है आपका रेक्टेंगुलर होता है, यानी कि आयताकार होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, क्रॉसिंग फाइल को फिश बैग फाइल भी कहा जाता है। तो जो क्रॉसिंग फाइल है यह भी आपकी फाइल स्पेशल फाइल की कैटेगरी में ही आती है, जिसको फिश बैग फाइल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट इन सारे क्वेश्चंस को आपको एकदम याद होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आप ये सोचेंगे कि हम 30 से 40 क्वेश्चन करके 50 क्वेश्चन करके हम एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे और मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, तो ये थोड़ा सा कठिन है, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और सारे क्वेश्चन को आंसर देना है, ठीक है, और आंसर भी सही होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर सही कैसे होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को और ठीक है, तो क्योंकि देखी हुई चीज़ें और सुनी हुई चीज़ें ज़्यादा तक आपके माइंड में रहती हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एटलीस्ट आप क्वेश्चन नोट नहीं करें तो 2-3 बार इनको देखा करिए, ठीक है, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। और क्योंकि एक बार में किसी भी चीज़ को परफेक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो हमें प्रैक्टिस करनी है बस, ठीक है। बाकी आपका अगर मेहनत अच्छी है तो डेफिनेटली अगर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर का, जनरल बियरिंग में कोई भी घूमने वाला पार्ट्स नहीं होता है। तो जनरल जो बियरिंग होती है इसमें कोई भी मूवेबल पार्ट्स नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन से एक और इससे जनरल बियरिंग से पूछा जाता है रिलेटेड, ठीक है। जनरल बियरिंग पूछता है कि कौन सा फ्रिक्शन होता है, तो जो जनरल बियरिंग होती है उसमें आपका ड्राई फ्रिक्शन होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, जहाँ रेडियल और एक्सियल दोनों लोड हो वहाँ बाल बियरिंग या टेपर रोलर बियरिंग का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ पे ऐसी कंडीशन हो जहाँ पे रेडियल लोड भी लग रहा हो और एक्सियल लोड भी लग रहा हो, वहाँ पे हम बाल बियरिंग या टेपर रोलर बियरिंग का प्रयोग करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, डक्टाइल मटेरियल जैसे कि कापर हो गया के लिए पॉजिटिव रेक एंगल का प्रयोग करते हैं। तो हम आपको पहली वाली वीडियो में बता चुके हैं कि जो पॉजिटिव रेक एंगल होते हैं वो मुख्यतः आपके 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव रेक एंगल, नेगेटिव रेक एंगल और 0 रेक एंगल। तो यहाँ पे डक्टाइल मटेरियल जैसे कि मुलायम जो पदार्थ होते हैं जैसे कि कापर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इनके लिए हम क्या करते हैं, पॉजिटिव रेक एंगल देते हैं, ठीक है, कटिंग टूल्स में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटल मटेरियल जैसे कि हार्ड मटेरियल जो भंगुर पदार्थ होते हैं जैसे कि कास्ट आयरन है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होता है, सबसे ब्रिटल पदार्थ होता है। तो वैसे ही कह रहा है कि ब्रिटल मटेरियल जैसे कि कार्बाइड टूल यहाँ पे दिया गया है कि कार्बाइड टूल की मशीनिंग के लिए हम नेगेटिव रेक एंगल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का, जब शाफ्ट रनिंग कंडीशन में हो तो क्लच का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ पे शाफ्ट रनिंग कंडीशन में होती है उस वहाँ पे हम क्लच का प्रयोग करते हैं, क्लच और कपलिंग। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और तो ये एटलीस्ट ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि शाफ्ट और कपलिंग में क्या बेसिक अंतर होता है। तो शाफ्ट का प्रयोग जो है क्लच का प्रयोग जो है हम
उस कंडीशन में करते हैं जब साफ्ट आपकी रनिंग कंडीशन में हो, जबकि कपलिंग का प्रयोग हम उस कंडीशन में करते हैं जब साफ्ट आपकी स्टेबल कंडीशन में, यानी कि स्थिर कंडीशन में हो तो वहाँ पे हम कपलिंग का प्रयोग करते हैं, और साफ्ट जबकि आपकी मोशन में हो, रनिंग कंडीशन में हो, तो वहाँ पे हम क्लच का प्रयोग करते हैं। ये बेसिक डिफरेंस होता है आपके क्लच और कपलिंग के बीच में, तो प्लीज़ इसको एकदम से आपको याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, सीट मेटल कार्यों के लिए सेल्फ टैपिंग स्क्रू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जो अभी आपके सीट मेटल कार्य होते हैं वहाँ पे हम सेल्फ टैपिंग, यानी कि ऐसे स्क्रू जो खुद ही क्या कर देते हैं टैपिंग, उसमें टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सेल्फ टैपिंग स्क्रू का प्रयोग करते हैं, कहाँ पे, सीट मेटल कार्यों के लिए, ठीक है। यानी कि इसको पहले, इस स्क्रू को लगाने के लिए पहले से ड्रिल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, हम जो सीट मेटल है डायरेक्टली उसमें हम क्या कर सकते हैं, इस स्क्रू को लगा सकते हैं। तो इस स्क्रू का नाम क्या है, उसका नाम है सेल्फ टैपिंग स्क्रू। सेल्फ मतलब खुद से होता है, ठीक है, स्वयं। तो ऐसे स्क्रू जो स्वयं ही क्या हो जाए, खुद ही क्या हो जाए, लोकेट हो जाए, ठीक है, उसमें टैपिंग की भी फैसिलिटी हो, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, सेल्फ टैपिंग स्क्रू कहते हैं। और इसका प्रयोग जो है हम सीट मेटल कार्यों में करते हैं। यहाँ से सीट मेटल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि सीट मेटल कार्य में, ठीक है, सीट मेटल में कौन सा हैमर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखने के हैं, हम सीट मेटल कार्य में सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, एलिगेटर बेल्ट को जुड़ने के काम में आता है। तो एलिगेटर जो है, ठीक है, आपके बेल्ट जुड़ने के कार्य करता है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 20, होनिंग के लिए मिनरल ऑयल का उपयोग कटिंग फ्लूइड की तरह किया जाता है। तो होनिंग जब भी ऑपरेशन हो रहा हो तो यहाँ पे हम मिनरल ऑयल का प्रयोग करते हैं कटिंग एज ए फ्लूइड की तरह, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। होनिंग और लैपिंग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपको एटलीस्ट पता ही होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, स्ट्रेट एज तीन प्रकार के होते हैं। तो स्ट्रेट एज जो है आपके तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है, और ये मुख्यतः जो है हार्डेंड स्टील, ठीक है, हार्डेंड स्टील के बने होते हैं। और ये तीन, इनके कौन कौन से प्रकार होते हैं तो वो भी जान लीजिए। इसके तीन प्रकार होते हैं, ए, बी और सी, ठीक है। तो जो ए प्रकार का होता है वह साधारण कार्यों के लिए होता है, ठीक है, और बी होता है जो है आपका टूल मेकर्स के लिए होता है, और सी जो प्रकार का होता है वह कास्ट आयरन का के लिए होता है। तो ये स्ट्रेटेज के तीन प्रकार होते हैं, और इनका मटेरियल आपको याद रखना है कि ये हार्डेंड स्टील के बने होते हैं, और इनके तीन प्रकार ए, बी और सी हैं, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इससे संबंधित हम आप जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, उम्मीद है आप उसका आंसर कर पाएंगे, ठीक है। और आप लोगों के लिए एक और ही और गुड न्यूज है, ठीक है, आज से आपको यहाँ, अभी थोड़ी दिन रात्रि की फेस्टिवल चल रहा है तो थोड़ा सा साउंड वगैरह का कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से वीडियो टाइम पर आपको नहीं मिल पा रही होगी, ठीक है। और आज शाम को आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें हम टॉपिक वाइज, अभी आपको आपके पास ऑलमोस्ट 60 डेज का समय है, तो इसमें हम टॉपिक वाइज जो है और जो आपके क्वेश्चंस हैं इनकी थ्योरी के साथ में हम कवर करेंगे, क्योंकि एक सेशन हमारा चल रहा है और वन लीनियर फॉर्म में आप इसको याद कर रहे हैं, और एक आपका थ्योरी का चलेगा, तो इससे आपकी चीज़ें बराबर जो है प्रायरली रिवाइज होती चलेंगी। तो आप आज शाम को एक वीडियो आएगी, आप उस प्लीज़ वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ इलेक्ट्रिकल सप्लाई या गैस उपलब्ध ना हो वहाँ थर्मिट वेल्डिंग की जाती है। यानी कि ऐसी जगह पे जहाँ पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई की फैसिलिटी ना हो या गैस की फैसिलिटी भी ना हो वहाँ पे हम थर्मिट वेल्डिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 23 नंबर का, रेलवे ट्रैक की क्रैकिंग को जोड़ने के लिए थर्मिट वेल्डिंग किया जाता है। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। भले आपको लग रहा हो कि ये तो हमें क्वेश्चन याद है, लेकिन जब तक क्वेश्चन का आप रिपीट नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, तो आपको विश्वास नहीं होगा, आप धीरे धीरे सारी चीज़ें क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस को भले ही आपके आ रहे हो, लेकिन आप वीडियो को आपको देखना जरूरी है, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चंस आपको उसके ऊपर कमांड आपका बने रहे, ठीक है। तो 23 नंबर का क्वेश्चन था कि रेलवे ट्रैक की क्रैकिंग, यानी कि जो रेलवे की पटरियाँ जो होती हैं उसमें कभी क्रैक बुगर पड़ जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि कई सारे जो गैंगमैन जो होते हैं उनको जोड़ रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जो है थर्मिट वेल्डिंग के द्वारा उन रेल पटरियों की जो क्रैकिंग होती है, ठीक है, तो उसको वो क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 24 नंबर का क्वेश्चन, फाइन और डेलिकेट व्हील ड्रेसिंग के लिए स्टार व्हील का प्रयोग करते हैं। तो फाइन और डेलिकेट व्हील के लिए ड्रेसिंग स्टार व्हील ड्रेसर का प्रयोग करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट, और आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, ड्रिल के लिए MT0 से MT5 के टेपर्स दिए जाते हैं। तो ड्रिल समांतर जो टेपर होते हैं आपके साथ 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 8 MT0 से लेकर MT7 तक, और जब केवल ड्रिलिंग के लिए जाए हम MT0 से लेकर MT5 नंबर तक के टेपर प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे 25 जो आज की वीडियो में हमने कवर किए हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद ही होगी, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की
अपडेट आपको मिलते रहे, और आप किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं। आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।